मान लिया टॉप जीवन है, मगर गुड़ जीवन की टफ है, बेकार है, बदमाशी जीवन में तुम क्यों रोकते थे? मुझे ना बोलने के मुझे तुम्हारा लॉजिक क्या था? 80 साल का बुड्ढा ब्लू फिल्म देख रहा है, वहां तुम्हें विरोध नहीं, 8 साल का बेटा दीक्षा ले रहे, पूरा समाज खिलाफ हो जाएगा। छोटी उम्र में यह क्या समझता है? 80 साल का बुड्ढा क्या समझता है ब्लू फिल्म में? 4 साल का लड़का उपवास करता है, तुम बोलते इनके मां बाप को, इस बेटे को उपवास करा दिया। और मैं आज आपके सामने बोलना चाहता हूं, मेरे पौसठ में एक लड़के ने देखा, जहां मैं बैठा हूं ना कोटा में, वहां बाजू में सिगरेट वाला बैठा है, तुम्हें मालूम है, चाय की किट बाजू में उपवास है के बाद, आपको मालूम है, पूछना चाहता हूं, बराबर बराबर 4 दिन के पहले 9 साल का लड़का वहां सिगरेट पी रहा था। जिस उपास रह के बाजू में बैठे वहां 9 साल का लड़का सिगरेट पी रहा था, और अपनी बाजू में 8 साल के लड़कों को सिगरेट की ऑफर कर रहा था, पी ले तू यार। 8 साल का बेटा साधु बन रहा है, समाज खिलाफ आ जाता है, 9 साल का बेटा सिगरेट पीता है, कोई विरोध नहीं तुम्हारा। अनमेच्योर धर्म करे वो गलत, और मेच्योर पाप करे उनका कोई दुख नहीं। 8 साल का बेटा हमारे से दीक्षा में क्या समझता होगा? 80 साल का बुड्ढा सिगरेट पी रहा है, नहीं समझता है कैंसर होगा? अनमेच्योर को धर्म का विरोध करने वाले तुम मेच्योर को पाप करने की छूट देते हो क्या? बोला हमारी छूट है माना साहब। भगवान की परम करुणा की तुम लोगों पे मैंने निर्णय नहीं छोड़ा था, मेरे हृदय पे छोड़ा था, आज आपके सामने बैठ पाता हूं साधु जीवन में। धर्म करना नहीं और किसी को करने नहीं देना। मैं आपसे बहुत गंभीरता से वेदना के साथ कह रही हूं, माहौल बहुत खराब है। आज इस उम्र में छोटे बेटे को अंजाम में भी धर्म कराओ, जीवन का बच जाएगा। अनमेच्योर अवस्था में पिताजी ने मुझे मंदिर भेजा था, आज मैं यहां बैठा हूं, अनमेच्योर अवस्था में गया तब। बड़े होके मेच्योर होकर के तू दीक्षा लेना, तुम ये बोलते हो तुम्हारी औकात है, तुम्हारे की राइट है, तुम्हारी योग्यता लायकात है, मुंह बंद रखो तुम्हारा। बड़ा होके समझो के दीक्षा ले, तुम तो सब समझ गए, लो दीक्षा। नहीं मजाक मत करो, मेरी वेदना को बोलना चाहता हूं, प्लीज डोंट स्पीक एनीथिंग। या तुम मेरे परम पिता परम पूज्य पिताजी का शासन ही के तुम ठीक लगो ओपिनियन देते रहो। ये महावीर का शासन है, राइट हमारा है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है। दावा के साथ वो दीक्षा किसको देना मैं निर्णय करूंगा, तुम कौन हो निर्णय करने वाले? जहां तुम्हारे बेटे पे तुम्हारी चलती नहीं, वहां गांव के बेटे पर तुम चलाने के लिए निकले हो। तुम्हारे बेटे पे तो तुम चलाओ कि बेटा मोबाइल मत देखना, बोलो कि बेटा शराब मत पीना, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मानता नहीं है, और गांव के बेटे पे तुम अपना रखना चाहते हो। हम दीक्षा नहीं देंगे, गुरुदेव खिलाफ आ जाएंगे, कौन हो तुम बोलने वाले?